सामाजिक दूरी का ख्याल न रखना कानूनी रूप से गलत है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस उत्तरी जिला द्वारा जनपद नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एस के रंजन, व्यापार जींस के कुछ खास खबरों के साथ। मैं अभी मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में और भीड़ तो यहां बहुत है। बावली की सेल कैसी है? 50% क्या वजह सर? कोरोना। लेकिन मार्केट में भीड़ तो बहुत ज्यादा है। कहां भीड़? खाली पड़ी है, धक्के पड़ते हैं, खाली पड़ा है बाजार। देखो ना, इनके लिए तो खाली है और हमारे लिए आज भी भीड़ है, डर डर के आ रहे हैं। सर रेट भी गिरे हैं क्या? कुछ रेट बढ़े हैं। पैकिंग जो है देख रहे हैं, एक भैया इनसे बात करते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सेल किस तरह की है। सर दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। इस दीपावली को देखते हुए क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? मार्केट में भीड़ तो ठीक है और सेल किस तरह की है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भीड़ है सर, सेल तो खास नहीं है। सेल तो खास नहीं है, लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। हम इन रेट पूछ के जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। ऐसा कोई ऐसा डिमांड नहीं दिख रही है। ये कहिए ना कि अगर जो पिछले सालों के मुकाबले जिस तरीके से भीड़ भड़का होता था, भीड़ भड़के के साथ खर्चा भी लोग करते थे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस टाइम विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही है बजाय कि बट ऑवे से। देखिए, कुछ लोग जॉबलेस हैं, कुछ लोगों के पास फंड की इश्यूज़ होंगे, कुछ लोग आज की डेट में हम जो मटेरियल लगा रहे हैं काफ़ी सस्ते वैरायटी भी लेके आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक 500 ग्राम में एक थाली है 550 रुपये की। ये अपनी 500 ग्राम में एक थाली है 650 रुपये की। 700 ग्राम में थाली है 750 रुपये की। तो ये अलग अलग डिफरेंट सस्ती वैरायटी भी रखी हुई है, हमने थोड़ी अच्छी वैरायटी भी रखी हुई है। यहाँ पे 1100 का भी थाल है, 2100 रुपये का भी थाल है, तो काफ़ी तरह की वैरायटी है हमारे पास। अगर रेट की बात की जाए तो क्या पिछले साल से रेट वही चल रहे हैं या कुछ कम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल कम हुए हैं। इस चीज़ में क्वालिटी हमारी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है इस बारी, ठीक है, और रेट भी कम हुए हैं। ड्राई फ्रूट के रेट कम चल रहे हैं ऑलरेडी। पिछले साल को अगर देख करके चला जाए तो कितना परसेंट घटा है? परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, 3 से 4% ही घटा है मैक्सिमम। कुछ कुछ चीज़ों में 5% भी घटा है, लेकिन इससे ज़्यादा परसेंट फ़र्क नहीं आया। लेकिन हाँ, डिमांड और सप्लाई में, डिमांड में बहुत कमी आ गई है, डिमांड में काफ़ी कमी दिख रही है। थोक व्यापारी तो बता रहे हैं कि 20 से 40% की जो है गिरावट आई है भावों में। भाव में नहीं सर, मुनाफे में आ गई होगी थोक वालों के, लेकिन हमारे तो रिटेल वालों को तो हमें यही दिख रहा है कि 2-3-4% का ही कमी है। थोक वाले के कह सकते हैं कि मुनाफे में कमी आई होगी, लेकिन वो तो अपना पूरा पैसा ले ही रहे हैं, वो तो अपनी पूरी डाल ही रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ गिफ्ट पैकिंग वाले दुकान लगाए हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत कम बिक्री है, लॉकडाउन से बहुत कम हो गया काम, कारोबार है ही नहीं। भीड़ भी आप देख रहे, इतना भीड़ नहीं है। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ गए, छोड़ लेते थे, सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ खारी बावली में गिफ्ट पैकिंग कब से बेच रहे हैं? मुझे 35 साल हो गए, 35 साल से मैं यहाँ ये डब्बे बेचने आता हूँ। तो रेट की अगर ऐसा बाजार कभी नहीं देखा, ऐसा काम कभी नहीं देखा। अगर रेट की बात की जाए तो कुछ रेट भी घटा करके बेच रहे हैं या वही रेट पर? रेट तो बहुत कम कर दिए हैं, फिर भी भाग आता है, देखता है भाई, नहीं कहता है कि रुपये की चीज़ के चार आने लगाता है। सर दीपावली की सेल कैसी है इस बार? दीवाली की सेल अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन और लोग तो बता रहे हैं कि सेल कमजोर है, नहीं है बिक्री। काम सही नहीं आएगा, शुरू से बेईमानी करते आ रहे हैं ना, तो अब गाका आएगा उनके पास। जो पहले से काम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर को गलत गाइड कर रहे हैं, और मीडिया भी इसमें गलत गाइड कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जो यहाँ के हालात है पूछ रहा हूँ। हमने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हैगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बता रहेगा कि ड्राई फ्रूट के रेट खारी बावली में बहुत कम है। पर ऐसी बात सर, अगर काजू की बात की जाए तो आपके यहाँ किस रेंज तक काजू है? काजू यहाँ पर 800 रुपये किलो से लेके 1600 रुपये किलो तक का काजू है। और बादाम? बादाम हमारे पास 550 रुपये किलो से लेके 2000 रुपये किलो तक का बादाम। पिस्ता? पिस्ता 800 रुपये किलो से लेके 1400 रुपये किलो तक।
और अखरोट की बात की जाए तो अखरोट 600 रुपए किलो से लेके 1600 रुपए इसकी जैसी बिक्री है उस अनुसार जो है बताया जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसी है इस बार? कोई खास मजा नहीं आ रहा, कस्टमर की जेब में पैसा नहीं है भाई साहब। लेकिन कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सब नाटक कर रखे हैं। यहाँ कोरोना कहाँ गया ये बताइए? पब्लिक मुंह से मिला के घूम रही है, ये मास्क आने के लिए लगा रहे पागल बनाने के लिए, ना सांस आ रही है ना। आपने हेलमेट भी पहन रखा है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसमारे हेलमेट पहन रखा है। अच्छा, और ये मास्क है ही, कोरोना वायरस। मार्केट में भीड़ है, दिवाली बढ़िया बनेगी, सस्ता का भी मिलता है, सस्ता का भी नहीं मिलता, महंगा ही मिलता है। चाहे मार्केट जितनी मर्जी सस्ती हो जाए पर माल महंगा ही मिलेगा हमेशा। सरदार जी, इस साल दीपावली की सेल कैसी है? दाल रोटी चल रही है। लेकिन आपके और सहयोगी जो आसपास बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को भरमाया जा रहा है, बिक्री जो है सही है। ठीक है, ठीक है, जो कह रहे हैं जिनकी बिक्री सही है सही है, जिनकी नहीं है नहीं है। आपकी बिक्री कैसी है सर? ठीक है, प्रभु दे रहा है रोटी। पिछले साल से भाव कुछ कम हुए हैं या वही चल रहा है? भाव भी कम है, गाग भी कम है। अगर बादाम की बात की जाए तो बादाम क्या भाव बिक रहा है सर? 600 रुपए किलो, 680 रुपए किलो, 700, 900, 1200, सब तरह का है। पिस्ता? पिस्ता 1000 रुपए किलो। बारे में आप क्या कहेंगे? ग्राहक कम है। क्या लोग कोरोना से डर नहीं रहे? नहीं, दिल्ली वाले बड़े मजबूत दिख रहे हैं। हमने भी सैनिटाइजर पकड़ा होता है और मास्क लगाया होता है, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। आपके यहाँ जो खरीदार आ रहे हैं, खुदरा खरीदार आए, उनके लिए क्या कुछ आपने व्यवस्था रखा है? सैनिटाइजर रखा हुआ है बारी में, लड़का सैनिटाइजर हाथ करा देता है तब टच करता है। अगर कोई खरीदार जो है बिना मास्क का आ जाए तो उसको क्या? नहीं, हम उनको कहते हैं मास्क लगा लें। दिल्ली बाजार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एशिया के सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी में सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों में अवेयरनेस किस तरह से? सर, एक्चुअली भीड़ भाड़ तो बहुत है बट लोग अवेयर हैं इस बारे में। मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं पहले से, और जो कुछ लोग बचे हुए हैं तो उन्हें हमारी DCD की टीम है, दिल्ली सिविल डिफेंस की, वो हमेशा कुछ ना कुछ अवेयर कर दे रही है, उन्हें मास्क पहनने के लिए बोल दे रही है। अदरवाइज दिल्ली पुलिस भी है जो हमारी सपोर्ट कर रही है बहुत, एंड साथ ही साथ हमारे जो SDM ऑफिस से ऑर्डर्स आते रहते हैं नए नई चीज़ें अवेयर करने के लिए लोगों को, जैसे अभी सैनिटाइजेशन कराया गया है घरों में, या सैनिटाइज़र बंटवाया भी गया है, तो वो काम भी होता रहता है। साथ साथ लोग अवेयर हैं अपनी तरफ से डिस्टेंस बना के रखने, जहाँ पे भीड़ हो रही है वहाँ पे हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये देखी जा रही है सर कि मैं अभी पिछले 1 घंटे से घूम रहा हूँ, लोग मास्क पहने हैं ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो सवाल है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सर, एक्चुअली डेंसिटी ज़्यादा है इस एरिया में, लोग कुछ ना कुछ, दिवाली का अवसर है तो कुछ ना कुछ सामान लेने लोग आएंगे, और ड्राई फ्रूट्स हैं हम आपस में भी गेस्ट को देते रहते हैं, तो इस वजह से भी भीड़ बढ़ाकर ज़्यादा हो रहा है, तो उसका तो सर कुछ नहीं कर सकते। डिस्टेंसिंग के लिए हम जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो रहा है वहाँ पे हमारी टीम तैयार है, दिल्ली सिविल डिफेंस की एंड दिल्ली पुलिस की भी टीम है, तो वो भी साथ साथ में उन्हें अलग कर रहे हैं, एंड साथ साथ जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा उन पे भी ध्यान दे रहे हैं, एंड साथ साथ जो दुकानदार हैं हमारे उन्हें भी बोल दिया है कोई भी ग्राहक आता है विदाउट मास्क तो वो अपनी तरफ से भी सामान नहीं दे रहे हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। अगर कहीं किसी एरिया में भीड़ ज़्यादा होती है तो आप उसको पता कैसे लगाते हैं? सर, एक्चुअली हमारे पास नॉर्मल लिस्ट होती है, हम तो जो SDM ऑफिस है उनके पास इसकी डिटेल्स होती हैं, तो उसी हिसाब से हमारी प्लेसमेंट की जाती है, जैसे यहाँ पे भी है, उसके बाद लाल किला पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, इस रोड पे आप जाएंगे पीछे जो चांदनी चौक वाली रोड है इस पूरी रोड पे आपको मिल जाएगा। सर, दिल्ली बाजार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।